गुना के मानस भवन वैक्सीनेशन सेंटर पर कतार में खड़े लोगों के बीच विवाद हो गया। इस मौके पर व्यवस्थाएं संभाल रहे अधिकारियों को बीच बचाव करना पड़ा। 1 जुलाई से शुरू हुए वैक्सीनेशन महाअभियान के चलते गुना के मानस भवन केंद्र पर गुरुवार को भारी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए उमड़े। इसी दौरान कतार में खड़े लोगों के बीच पहले वैक्सीन लगवाने को लेकर मुंहवाद हुआ, जो धीरे धीरे धक्का मुक्की फिर मारपीट में बदल गया। अचानक उमड़ी भीड़ की वजह से व्यवस्था बिगड़ गई और लोग एक दूसरे से भिड़ गए। नौबत यहां तक आ गई कि केंद्र के नोडल अधिकारी को वरिष्ठ अधिकारियों से पुलिस तैनात करने की गुहार लगाना पड़ी। आज मानस भवन में 400 का लक्ष्य है, 400 वैक्सीन प्राप्त हुई है, जिसमें अभी तक 160 वैक्सीन लग चुकी हैं और आज पब्लिक बहुत ज़्यादा है और व्यवस्था में भी दिक्कत आ रही है। बाहर रोड तक लाइन लगी हुई है, व्यवस्था संभालने में बहुत दिक्कत आ रही है। अभी मैंने हमारे जोनल अधिकारी उनको भी अवगत कराया कि पुलिस फोर्स की सख्त आवश्यकता है, पब्लिक बाहर उधम ज़्यादा कर रही है। सर, एक मामला आया, ये मारपीट कर रहे थे या सामने आए? हाँ सर, अभी कुछ वैक्सीन लगवाने आए थे, उनकी एज लगभग 60 साल के लगभग है, वो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। हम लोग व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं, वो हमारा सहयोग भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमने प्रशासन को इसकी सूचना दी है कि तत्काल हमको पुलिस फोर्स मुहैया कराए। मानस भवन गुना का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, जहां 1 जुलाई को 400 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इससे पहले इस केंद्र पर 300 लोगों का वैक्सीनेशन किया जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज, गुना। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।